भाई तीन इक्वल पार्टीशन ही तो करना, इतना रिस्क क्यों लेना। ये देखो डिव क्लास कंटेनर, ओके इसके अंदर तीन पार्टीशन बनाते हैं पार्ट्स करके टाइम्स थ्री, ओके पार्ट वन टू एंड थ्री, ओके ये तीन पार्टीशन बन गए। कंटेनर को हमने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स देते ही ये एक लाइन में आ गए। पार्ट्स को बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड सो दैट तुम्हें दिखेगी क्या हो रहा है। नाउ वी हैव फ्लेक्स, अगर मैं कह दूंगा कि पार्ट्स जो है उसको फ्लेक्स वन कर दो तो ये तीनों इक्वल साइज के हो गए। देखो ये बेसिकली शॉर्ट हैंड है किसका, फ्लेक्स ग्रो का। अगर हम फ्लेक्स ग्रो लिखे ना यहाँ पे सेव करें सेम रिजल्ट आता है। तो ये क्या कह रहे हैं फ्लेक्स ग्रो, क्या कह रहे हैं कि पार्ट्स जो है बेसिकली उसको वन रखो क्योंकि तीन पार्ट्स हैं तो तीनों को वन 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 रखा, दैट मीन्स इक्वली डिवाइड किया। अगर मैं इसको टू कर दू सेव करो सेम टू 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 तीनों को, रेशियो तो सेम बन रही है ना। अगर मैं कर दू की पार्ट्स ऑफ nth चाइल्ड वन जो कि फर्स्ट चाइल्ड है उसको टू रखो ठीक है, और जो बाकी बचेंगे उनको रखो वन। तो ये देखो फर्स्ट वाले को दो की स्पेस मिल गई, सेकंड और थर्ड को वन वन की स्पेस मिल गई, टोटल फोर बॉक्सेस बन गए बेसिकली। उसने क्या किया फोर पार्ट्स में डिवाइड करके फर्स्ट को टू की स्पेस दे दी देन वन वन की स्पेस दे दी। अगर थ्री कर दूंगा तो फर्स्ट वाले को थ्री की स्पेस दे दी बाकियों को वन वन की स्पेस दे दी। अब यही सेम चीज मैं ग्रिड के साथ भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको इंस्टेड ऑफ फ्लेक्स डिस्प्ले ग्रिड कर दूं फिर से सेम लाइन में आ गया, पार्ट्स बैकग्राउंड कलर रेड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यहां पे तीन है हमारे पास तो तीनों को वन फ्रैक्शन वन फ्रैक्शन वन फ्रैक्शन इक्वल हो गया एंड ऑल सेट।